हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर्स। आज हम आपको फिर से न्यू पॉइंट लेकर आए हैं, उसी चैप्टर से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लस्टर पढ़ा था, स्मूथनेस ऑफ सरफेस पढ़ा था, ट्रांसपेरेंसी देखे थे, हार्डनेस देखे थे। आज हम देखेंगे डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी के बारे में हम लोग बाबू पीछे वाले लेसनों में पढ़ चुके थे, जो कि आपका था मेटर, है ना। मेटर के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसी में हम लोगों ने डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी के बारे में पढ़े थे। तो उस देखिए वो था मेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो क्लासिफिकेशन हम उस मेलेबिलिटी के आधार पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जो चीज़ फूट जाने वाला है, जो चीज़ फूट जाने वाला है, जो चीज़ नहीं फूटने वाला है, तो जो फूटने वाला है उसको अलग रखते हैं, जो नहीं फूटने वाला है उसको अलग रखते हैं। जैसे कि आप हमारे घर में शीशे की गिलास होती है और स्टील की गिलास होती है, तो शीशे की गिलास जो भी होते हैं उसको मम्मी, है ना, सिस्टर और आप भी उसको बड़े प्यार से और किसी सेफ जगह पर रखते हैं, और स्टील वाले गिलास को जहाँ पे भी है उसको वहीं छोड़ते हो, कोई बात नहीं है, जब भी घटक पटक के आ ही जाएगा, मतलब कहीं पे वो आ ही जाएगा, उसको हम कहीं पे रख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं, वो फूटे फूटेगा नहीं। लेकिन यदि रास्ते पे ग्लास वाले यदि आ जाए, शीशे वाले ग्लास का, तो आप उसको डर लग जाएगा, भाई इसमें कोई टकरा जाएगा तो फूट जाएगा, तो वो घर जाएगा किसी को, तो क्या करते हैं आप उसको हटा के तुरंत में साइड कर देते हैं। तो वही था क्या, हम उस आधार पे भी उसको साइड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करते हैं और कर सकते हैं कि भाई जो फूटने वाली है, जो कटने वाली है उसको अलग कर दो, जो फूटने वाली नहीं है उसको अलग करो। तो उसी में से आज आपका है डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी में होता है बहुत तन्यता, जिसको पीट पीट करके ताना जा सके, जिसको ताना जा सके उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, जिसको जिसको पीटा जा सके, जिसको ताना जा सके उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, जिसको पीटा जा सके उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जिसको पीटा जा सके मतलब एक कोई रॉड है, उसको हथौड़े से पीट पीट के पीट के उस रॉड को हम लोग लंबा कर दिए, तो उसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। तो देखिए मेलेबिलिटी क्या होता है, अ सॉलिड मटेरियल एज ए डक्टाइल। सॉलिड मटेरियल क्या होता है, डक्टाइल होता है, मतलब तन्यता, उसको हम तान सकते हैं, यूँ सॉफ्टली नहीं, पीट पीट के या किसी मशीन के द्वारा उसको नमार सकते हैं, है ना, आप लोग सुनेंगे उसको नमार दे पकड़ के, ठीक है। अ सॉलिड मटेरियल इज अ डक्टाइल इफ इट कैन बी बेंट और इट्स शेप कैन बी चेंज विदाउट ब्रेकिंग। हाँ, तो हम कह रहे हैं सॉलिड मटेरियल, वह सॉलिड मटेरियल डक्टाइल बन सकता है जिसको पीटने से, है ना, वो बेंड हो सकता है, उसका आकार बदल सकता है, तो उसको ही हम डक्टाइल कहेंगे, है ना। जिसको पीटने के बाद उसको, जैसे कि हम लोहा लेते हैं उसको एकदम काफ़ी ताकत लगा तो क्या होता है, बेंड हो जाता है, है ना। उसका शेप कैसा था, स्ट्रेट था, हमने उसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया, उसका शेप क्या कर दिया, मोड़ दिया। तो जो चीज़ में शेप बदल जाए, बेंड हो जाए, उसको हम कहेंगे डक्टाइल, ठीक है। अ डक्टाइल मटेरियल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। ये जो डक्टाइल मटेरियल है, तन्यता, उस मटेरियल को हम एक तार भी बना सकते हैं, बिल्कुल है। हमारे जो जितने भी वायर्स होते हैं उसमें जो तार लगा होता है, इसमें भी जो ये तार लगी हुई है बाबू, ये भी आपका डक्टाइल प्रोसेस से ही बना है, ऐसा कोई तार होता नहीं है, ठीक है, बट ऐसा तार बनाया जाता है, कैसे, कंप्रेस करके पतले उस छोटे से चीज़ को, उसको उस मशीन में उसको प्रेस करके, उसको दबाया करके छोटा सा नमारा जाता है, नमारते और लंबा किया जाता है, तब जाके वो एक वायर बनता है, ठीक है। अ सॉलिड मटेरियल्स इज सेट टू बी मेलेबल इफ इट कैन बी बीटन और प्रेस्ड इनटू सीट और फॉल्स। सॉलिड मटेरियल, उसको अभी हम जस्ट बताते हैं, मेलेबल मतलब उसको पीटा जाए, जिस मटेरियल को पीटा जाए उसको मेलेबल बोलते हैं, है ना। तो अभी जस्ट हम बताते हैं क्या है, किसी मटेरियल को पीट पीट के या उसको किसी मशीन में दबा करके, प्रेस करके उसको क्या किए, तो बहुत ही पतला कर दिए, किसी मशीन में उसको फंसा करके बहुत ही दबा करके पतला कर दिए, तो वो क्या हो गया आपका, मेलेबल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लंबा तार बन सकता है, वो लंबा सीट बन सकता है, लंबा फॉइल्स बन सकता है, ठीक है। अ सॉलिड मटेरियल्स दैट ब्रेक ऑन बीइंग बेंट, बीटन और प्रेस्ड इज कॉल्ड ब्रिटल। ऐसा सॉलिड मटेरियल जिसको, हाँ, ऐसा सॉलिड मटेरियल जो मोड़ने पर, ऐसा सॉलिड मटेरियल जो मोड़ने पर, पीटने पर, दबाने पर टूट जाए, ठीक है। ऐसा सॉलिड मटेरियल जिसको मोरेंगे फटाक से टूट जाए, ठीक है। ऐसा सॉलिड मटेरियल जिसको मोरेंगे फटाक से टूट जाए, और या उसको
ऐसा सोडियम टेट्राइड जिसको हम पीटेंगे बस टूट जाए, मतलब मारेंगे और टूट जाएगा, ऐसा सोडियम टेट्राइड जिसको हम दाबेंगे बस टूट जाए, उसको दाबेंगे बस टूट जाए, तो उसको हम कहेंगे ब्रिटल। क्या कहेंगे? ब्रिटल, भंगुर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? भंगुर, मतलब ब्रिटल। ब्रिटल का एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं, हमारे घर में होता है। इसका एग्जांपल है हमारे घर का हैंडपम्प, जिसको बोलते हैं चापाकल, है ना। हमारे घर का हैंडपम्प जिसको कहते हैं चापाकल, ये बाबू जो चापाकल जो बनता है ना, ये टोटल आपका ये ब्रिटल होता है। और हमारे घर में जो रॉड आती है, छड़ आता है, छड़ लगा रहता है, वो आपका क्या होता है? डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी होता है। ये जो छड़ आता है वो डक्टिलिटी मेलेबिलिटी होता है। और हमारे घर में जो हैंडपम्प होता है जिसमें हम पानी पीते निकाल के, ये आपका ब्रिटल होता है, जिसको हम बोलते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं इसको हम? भंगुर। बिलीव नहीं है, आप कुछ बच्चे से देखे होंगे कि जब हमारा चापाकल ख़राब हो जाता है तो उसका उसके लिए स्पेशल मिस्त्री आते हैं, है ना। मिस्त्री आते हैं तो उसको खोलते हैं, वो खोलने के दरमियान में हथौड़ी भी मारते हैं। मिस्टेक से क्या होता है, जिस चीज़ को वो खोलना चाहे तो वही टूट के हट जाता है, है ना। तो ये रियलिटी है बाबू कि हमारा जो चापाकल होता है ये ब्रिटल होता है। बिलीव नहीं है तो जो कुछ चापाकल है जो बहुत ही पुराना है, फेंका हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नया को ही आप अटैक करके फोड़ के देखें, मैं फोड़ने की बारे में बोलूँगा, आप उस पर ऐसे ईटा से नहीं फूटेगा, ठीक है ना, और आपसे फूटेगा भी, फोड़ना भी नहीं है, ठीक है। आप देखे होंगे मिस्त्री को कि जब वो हथौड़ी से काफ़ी यूज हीट करता है, हीट करता है, मारता है, उसको खोलना चाहता है तो बस वो खोलने वाला ही टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो आपका ब्रिटल था, टूट गया ना, इसका मतलब वो ब्रिटल है। जो टूट गया पीटने पर वो ब्रिटल हो गया, और जो नहीं टूटा वो पीटते गया, पीटते गया, उसका शेप चेंज हो गया, वो बैंड हो गया, मुड़ गया, है ना, टेढ़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या? वो डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी है, ठीक है। उसको पीटा जा सकता है, इसको ताना जा सकता है, जो बैंड हो सकता है, ठीक है। और जो टूट जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा। नेक्स्ट, यू हैव टू लर्न अर्लियर दैट मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलेबल एंड दैट नॉन मेटल इफ सॉलिड आर ब्रिटल। हाँ, इसके बारे में हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़े थे कि डक्टाइल क्या होता है, मेलेबल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, है ना, और ब्रिटल क्या होता है, ठीक है। तो ये सब क्या था पॉइंट आपका? इन सभी पॉइंट के आधार पे हम लोग ये भी देख सकते हैं, क्या क्लासीफाई कर सकते हैं, ये पढ़ने का उद्देश्य क्या है। इसका पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हमारे घर में जो डक्टाइल है या मेलेबल है उसको हम अलग करेंगे। मेलेबल जो होगा उसको अलग करेंगे, जो ब्रिटल होगा उसको हम अलग करेंगे। मेलेबल मीन्स हुआ जो पीटा जा सके, जिसको ताना जा सके, और ब्रिटल उसको कहते हैं जिसको एक ही बार मारने के बाद वो टूट जाए, उसको हम ब्रिटल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट और है आपका, वो है फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। अब देखिए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसका ट्रिक है। पहला ट्रिक है, आप ये सब जो क्या, आप उसका मेथड पढ़ रहे थे, उसका तरीका पढ़ रहे थे कि उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो ये भी आपका है फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है? फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरना। फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है? तैरना। और सिंकिंग मीन्स होता है पानी में डूब जाना। फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरना, और सिंकिंग मीन्स होता है पानी में डूब जाना। तो ये है तरीका, हम इस तरीके से भी किसी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई जो डूबने वाला है उसको अलग कर दो, और जो नहीं डूबने वाला है उसको अलग कर दो, ठीक है। ये सब जितना पढ़ रहे हैं वो सब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट मैनी सब्सटेंसेस फ्लोट्स वेयर एज मैनी अदर्स सिंक्स इन वाटर। आप लोग ने बहुत ही ध्यान दिया होगा कि बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको पानी में डालने के बाद डूब जाता है, बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको पानी में डालने के बाद वो क्या होता है? डूब जाता है। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको पानी में फेंकने के बाद क्या होता है? वो हेलने लगता है, तैरने लगता है, वो डूबता नहीं है। कुछ डूब जाता है, कुछ डूबता नहीं है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सी विच सब्सटेंस फ्लो एंड विच सिंक। अब कहता है छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए, इसमें से हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है या नहीं डूबता है। इस चीज़ को आप लोग बाबू घर पे आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, जिसमें आप ले लीजिएगा, क्या लीजिएगा? प्लास्टिक ले लीजिएगा, पत्थर ले लीजिएगा, रबर ले लीजिएगा जो हमारे पास इरेजर रबर होता है, भैक्स ले लीजिएगा, मोम जिसको बोलते हैं, कलर आपके पास होगा, भैक्स क्रेयॉन जिसको बोलते हैं वो ले लीजिएगा, आयल तेल ले लीजिएगा, दो चार बूंद गिरा के देखिएगा पानी पे, जैम हम लोग जो खाते हैं जैम ले लीजिएगा, पेपर ले लीजिएगा, हनी जो कि हम लोग पीते हैं खाते हैं, आयरन जिसको कांटी बोलते हैं, और लकड़ी का टुकड़ा, ये सब ले लीजिएगा, और एक गिलास पानी में या एक बाल्टी पानी में उसको आप करके देखिएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट डूब जाता है और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं डूबता है, ठीक है। यानी कि कौन सा मटेरियल पानी पे तैरते रहता है, कौन सा मटेरियल पानी के अंदर में डूब जाता है, इन चीज़ों को हम देख करके तब जाकर हम ये क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई इस तरह से भी मटेरियल को अलग किया जा सकता है, ठीक है।
तो समझेंगे कि ये कौन सिंक करने वाली है, कौन फ्लोटिंग करने वाली है। ओके तो ठीक है बाबू, अब हम लोग फिर मिलते हैं सॉल्युबिलिटी पॉइंट को लेकर के नेक्स्ट डे, कल हम लोग फिर मिलते हैं सॉल्युबिलिटी को लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।